हेलो गाइस, वेलकम टू तीजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सैन डिएगो कॉमिक कॉन के डे 4 के बारे में, जिसमें कि आप सब जानते हो कि मार्वल फेज 4 अनाउंस करा गया। साथ ही साथ केविन फाइगी के पास 90 मिनट थे फेज 4 को अनाउंस करने के लिए, पर केविन फाइगी के पास ज्यादा समय नहीं बचा तो केविन फाइगी ने फ्यूचर के कुछ अपडेट दिए, और आप यकीन नहीं मानोगे वो फ्यूचर के अपडेट मार्वल फेज 5 के थे। जी हाँ, आने वाला हमारा फ्यूचर मार्वल फेज 5। अब ये अपडेट 100% कंफर्म है, क्योंकि केविन फाइगी ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ये खुद कंफर्म करे। तो उसी के साथ सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं, और दिन ये 100% अपडेट केविन फाइगी ने खुद ही कंफर्म करे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल स्टूडियो फेज 1 के बारे में, जो कि 2008 से लेकर 2012 तक था, जिसमें कि हमें 6 मूवी देखने को मिली। उसी के साथ आता है मार्वल स्टूडियो फेज 2, जिसमें कि हमें टोटल मूवी देखने को मिली 2013 से लेकर 2015 तक, जिसमें कि 6 मूवीज थी। तो ये फेज 1 और फेज 2 में सेम मूवी पैटर्न रहा, और मार्वल स्टूडियो ने काफी अच्छा इसमें रिस्पांस मिला उन्हें। फिर उसके बाद फेज 3 आया, जिसमें कि हमें 2016 से लेकर 2019 तक मूवी देखने को मिली, जिसमें कि टोटल 11 मूवी थी, जो कि बहुत ज्यादा भड़के था। पर उसी के साथ केविन फाइगी ने मार्वल फेज 4 अनाउंस करा सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, जो कि 2020 से लेकर 2021 तक था, जिसमें कि 5 मूवी और 5 शो देखने को मिले। पर अब फ्यूचर में क्या, तो फाइनली मार्वल स्टूडियो फेज 5 भी अनाउंस करा गया, जो कि 2022 से लेकर 2024 तक था, जिसमें कि हमें 7 मूवी प्लस 5 शो भी देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल फैंटास्टिक, अद्भुत। तो सबसे पहले जो मूवी आ रही है मार्वल स्टूडियो की ब्लेड, जो कि फरवरी 2022 में रिलीज होगी। पॉसिबली रिलीजिंग डेट मेरे को कन्फर्म नहीं हुई, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। देन उसके साथ जो सेकंड मूवी देखने को मिलेगी अप्रैल में 2022 में, फैंटास्टिक 4, जो कि एक रिबूट मूवी होगी और मार्वल के अंदर बनेगी ये मूवी, जैसा कि आप सब जानते हो। देन जो थर्ड मूवी है 2022 की लास्ट मूवी ब्लैक पैंथर 2, जो कि नवंबर में 2022 को रिलीज होगी। तो ये मूवी सबकी फेवरेट होने वाली ऑल टाइम, क्योंकि इसमें किल मॉन्गर भी रिटर्न होगा। देन उसके बाद मार्च के महीने में रिलीज होगी 2023 में कैप्टन मार्वल 2, जो कि केविन फाइगी ने खुद कंफर्म करा, और देन ब्री लैंसर भी इसमें रिटर्न हो रही हैं और नए नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगली जो मूवी है मई 2023 को गार्ड इन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो कि जेम्स गन ने खुद कंफर्म करा कि ये थॉर के बाद की कंटिन्यूस स्टोरी होगी, और इसमें थॉर भी होगा। उसके बाद नवंबर 2023 को एक्समैन, जो कि एक रिबूट मूवी होगी, और देन इनमें नए नए हमें कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। आप इसे म्यूटेंट भी कह सकते हो और एक्समैन भी कह सकते हो। उसके बाद पर्सनल माई फेवरेट मूवी एंटमैन 3, जो कि हमें माइकल कंफर्म करते हैं, और इस मूवी का नाम केविन फाइगी ने नहीं लिया था, पर ये मूवी फरवरी 2024 को रिलीज हो सकती है। और ऑल टाइम सबकी फेवरेट द न्यू एवेंजर्स 24 अप्रैल 2024 को ये मूवी रिलीज होगी, और ये एक डिफरेंट टाइप की एवेंजर मूवी होगी, जो कि केविन फाइगी ने इंटरव्यू में कंफर्म करा। और देन अगर शो की बात करी जाए तो एक ही शो कंफर्म हुआ है, वॉर मशीन, और 4 शो वो कौन कौन से हैं, तो आगे फ्यूचर में मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको वो भी अपडेट दे दूंगा। अब आपके लिए कुछ एक छोटा सा अपडेट। आप सभी जानते हो कि केविन फाइगी ने फेज 4 तो अनाउंस करा, पर उन्होंने ये बोला कि आगे की मूवी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस होंगी, जो कि अगस्त में होने वाला है। तो शायद पॉसिबली ये मूवी फेज 4 की भी हो सकती है। अगर केविन फाइगी अनाउंस नहीं करते हैं तो ये मूवी 100% फेज 5 की होंगी, जो कि हमें 2023 से लेके और आगे 24 तक देखने को मिलेगा। 22, 23, 24 हमारे लिए सबसे बेस्ट होने वाले हैं। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर प्रोफेसर खल के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।